अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। माशाल्लाह माशाल्लाह वाह। अम्मी मुंह मीठा कराइए बच्चों का। मुबारक हो। मुझे पूरा यकीन था कि ये मीटिंग कामयाब होगी और ये बड़ा ऑर्डर हमें ही मिलेगा। थैंक यू दुआ में। ये ऑर्डर तो बहुत ही बड़ा था। क्लाइंट्स को आपके डिजाइन्स बहुत अच्छे लगे। उन्होंने कहा कि मॉडर्निटी और ट्रेडिशन का इससे ज्यादा खूबसूरत कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्हें हमारी मेहनत पसंद आई। मुझे पूरा यकीन था कि तुम और इबादत बिजनेस मुझसे बेहतर चला सकते हो। तो मैं थैंक यू, आपको हम पे इतना भरोसा है, लेकिन इस ऑर्डर के मिलने में इबादत का कोई हाथ नहीं है। इसका हकदार कोई और है। मतलब इसकी हकदार मन्नत है। मन्नत नहीं होती तो आज ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल जाता। ये तो बहुत अच्छी बात है। अम्मी मैंने तो आज से पहले बिजनेस में कभी ध्यान ही नहीं दिया था। वो तो सुभान ने आज मुझे हिम्मत दी। इसलिए आज मैंने जो कुछ भी किया है उसकी सारी मुबारकबाद सुभान को मिलनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अम्मी जब भी इबादत कामयाब होकर आती है तो आप उसे शाबाशी और दुआएं देती हैं। आज मैं कामयाब होकर आई हूं, क्या मैं उस शाबाशी और दुआओं की हकदार नहीं हूं? एक्चुअली दुआ में मन्नत बिल्कुल ठीक कह रही है। मन्नत के साथ अपना इंसाफी कर रही है। पर सुभान बेटा, एक मिनट अम्मी, सुभान बिल्कुल ठीक कह रहा है। जिसका जो हक है उसे मिलना चाहिए। शाबाश मन्नत, अगर सुभान तुम्हारी तारीफ कर रहा है तो तुमने जरूर कमाल दिखाया होगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं कि तुम्हें कामयाबी हासिल हो और तुम सही रास्ते पर चलो। थैंक यू अम्मी, आपकी ये दुआ मुझ पर क्या असर कर रही है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती। कहा था कि इबादत से कुछ नहीं होगा, इसे तो बस किचन संभालना चाहिए। ऑफिस के काम के लिए तो मन्नत ही ठीक है। कायनात, मेरी बेटियां क्या कर सकती हैं और क्या नहीं ये मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन किस काबिल है।
तुम्हें बिजनेस के बारे में क्या मालूम कायनात बेगम? तुम्हारी तो एसी में रहकर ऐसी तैसी हो गई है, हमेशा पका पकाया मिलता रहा है, सिवाय दूसरों पर एतराज करने के और करती क्या हो तुम? जब देखो इबादत के पीछे। हिप्पू, कोई बात नहीं, तुम जब छोटी सी थी ना और गिर जाती थी तो मैं तुम्हें उठाती नहीं थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम खुद अपने पैरों पर खड़े होना सीखो, और तुमने वही किया। जो इंसान गिरने से डरता है ना, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं जाता। इंसान को हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें सुधार लेना चाहिए। तुमने आज वो नहीं किया जो तुम्हें करना चाहिए था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम सुभान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिजनेस को संभालोगी। मन्नत इबादत और सुभान के बीच दरार डालने में कामयाब हो रही है। मुझे उसे बात करनी होगी। इबादत? हाँ अम्मी। मैंने तुझे कहा था ना इबू, होशियार रहने की जरूरत है। तू आने वाले तूफान का अंदाजा नहीं लगा पा रही है। सुभान मन्नत से नफरत करता है ना, तो फिर उसने उसकी तारीफ क्यों की? बता मुझे ऐसा क्यों हुआ? नानी अम्मी, मन्नत ने ऑफिस में मीटिंग बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल की, इसलिए सुभान ने उसकी तारीफ की। मीटिंग अच्छे से कर ली तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। देखिए बहू, अगर मन्नत की नीयत खराब न होती तो मैं खुद उसकी तारीफ करती, मैं खुद शाबाशी देती, मगर मन्नत ये जो कुछ भी कर रही है ना, सिर्फ और सिर्फ सुभान का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए कर रही है। तुझे कुछ करना होगा और वो भी जल्दी, वरना मन्नत अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।